तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी KTM बैग। तो KTM काफी समय से खड़ी थी, तो करीब करीब एक महीने से खड़ी थी। तो इसमें आपको देख सकते हैं कितनी धूल हो गई और इसकी बैटरी भी एकदम खराब हो गई है। तो अभी हम इसमें डालने वाले न्यू बैटरी और इसके शॉकर्स भी लीक हो गए है, तो वो वीडियो अलग से आएगी। पहले हम इसकी बैटरी डालेंगे कि कैसे डालते हैं और कितने की आती है वो बताएंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये इसके शॉकर्स भी लीक हो गए, तो अभी हम इसके शॉकर जो कंपनी में कराने जाएंगे तो करीब करीब 1000 रुपये का एक शॉकर पड़ेगा, जो कि लीकेज हुआ है वो 1000 रुपये का एक शॉकर ठीक होने में पैसे लगेंगे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि बाहर से कैसे कराए, तो बाहर से कराने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती वो बताऊंगा। तो देख सकते हैं पहले हमने इसको वॉशिंग कर लिया है, वॉश करने के बाद इसको हम आपको एकदम दिखा देंगे कि कैसे बैटरी लगा दे और कितने में हमें बैटरी पड़ी और क्या क्या हुआ, कितने समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसी चलेगी। तो मैंने पर्सनली यूज़ की है, जो कि है SF की बैटरी, जो कि मेरे और भी कार और बाइक में SF की ही बैटरी चलती है, जो कि बहुत ही अच्छा लॉन्ग समय खींच देती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार बैटरी के कैसी आएगी। तो देख सकते हैं गाइस, ये रही हमारी बैटरी जो कि SF की है, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस में हमें मिली है। और आपको भी अगर हमारी जो दुकान है वहाँ से लेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे, जो कि हमारा नाम लेगा। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो ये वीडियो किसी के लिए स्पॉन्सर नहीं है, ना ही SF ने मुझे स्पॉन्सर किया है ना ही कुछ। तो जो कि हमारी जो शॉप है वो है शांतिपुरा, वहाँ जहाँ और सिर्फ बैटरी डालेंगे तो वो आ जाएगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर मेरा नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो ज़रूरी है भी आप वहाँ। तो मैं लिंक इसको जो दे दूंगा आपको, जो कि आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि इसको हमें पहले KTM की खोलनी पड़ती है सीट। तो देख सकते हैं ये हम सीट खोलेंगे, सीट खोलने के बाद आपको पता है कि क्या करना है। तो इसका जो ये केबल आता है ये खींचना पड़ता है, और ये खींचने के बाद ही आपका जो फ्रंट पैनल है वो खुल जाता है। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि KTM की बैटरी कहाँ आती है, तो इसके टैंक के आगे इसकी बैटरी आती है। तो देख सकते हैं इधर इसकी बैटरी आती है, ये खाली इसलिए है क्योंकि इसकी बैटरी हमने जो एक्सचेंज में दे दी उसका भी हमें अच्छा खासा प्राइस मिला। और अभी हम इसमें डालने वाले हैं न्यू बैटरी। तो देख सकते हैं ये इसका स्क्रू भी मिलेंगे और न्यू बैटरी भी हमें ले ली है। तो सिंपली बैटरी का आपको पता ही है कि जो प्लस का आएगा, जो रेड में आएगा वो आपको प्लस में डालना है, और जो ब्लैक आता है वो आपका माइनस होता है। तो वो आप भूलना मत, अगर आपने उल्टा भी लगा दिया तो आपकी पूरी बाइक की वायरिंग चल सकती है। तो ध्यान से करना और आराम से करना। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से लगा दी है बैटरी, जो कि है हमारी प्लस माइनस भी आपको आया पता ही होगा कि प्लस कैसे आता है माइनस कैसे आता है। तो देख सकते हैं दो स्क्रू मिलते हैं इसके साथ, और ये आपको लगाने एक आपका जो नीचे का बोल्ट होता है उसको नीचे डालना है, और उसके ऊपर से ये लगा के हमें स्क्रू फिट कर देने होते हैं। बहुत ही आसानी से आप घर पे ही फिट कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद आएगी इसकी जो है शॉकर्स की, और जो उसका चेंज पॉकेट उसकी वीडियो आएगी, तो वीडियो पूरी देखना। तब तक कल हम जाने वाले हैं मिर्ज़ापुर, तो तब हम आपको दिखा देंगे इसकी, इस वीडियो के बाद आएगी उसकी वीडियो। तो अब वीडियो पूरी एंड तक देखना तो पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं हमने बैटरी लगा दी है, और जो इसकी बेल्ट आती है बैटरी की वो भी लगा देना, वरना पछताओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कैसे नई वीडियो का।